यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसे हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया है। स्ट्रिंग वैल्यू है मोहन इज अ गुड सिंगर, डबल कोट्स ओपन क्लोज। यहां पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इंडेक्सिंग असाइन किया हुआ है। ये m जो है इंडेक्स 0 पर है, o इंडेक्स 1 पे, एंड सो ऑन। यहाँ मैंने ऊपर नीचे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, तो g 11 इंडेक्स पे, o 12 इंडेक्स पे, ये स्पेस जो है इंडेक्स 15। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमने एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हैंडल किया हुआ है, मोहन इज अ गुड सिंगर, और इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कोड हमने str वेरिएबल में असाइन किया। नाउ हमने इस str वेरिएबल पे, ये हमारा केस वन है, str वेरिएबल पे हमने सबस्ट्रिंग मेथड कॉल किया। सबस्ट्रिंग मेथड बोलता है मुझे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे कॉल करो, तो str जिस स्ट्रिंग को पॉइंट करता है हमने उस स्ट्रिंग के ऊपर सबस्ट्रिंग कॉल किया है, यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर कंटेंट वैल्यू को हमें सबस्ट्रिंग करना है और इसके इंडेक्स 6 से हमें इसे सबस्ट्रिंग करना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो इंडेक्स 6 है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये है हमारा इंडेक्स 6। और हमने ये नहीं बताया कि सबस्ट्रिंग यहां से तो स्टार्ट करना है पर कहां पर एंड होगा, ये नहीं बताया। तो जो आपका स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है, इतना सारा आपका स्ट्रिंग कंटेंट है, तो इंडेक्स 6 से लेकर इंडेक्स 21 तक जितना भी कंप्लीट स्ट्रिंग है, एक सबस्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा, इज अ गुड सिंगर। तो आपने देखा इंडेक्स 6 से इंडेक्स 21 तक का जितना भी स्ट्रिंग कंटेंट है वो यहां पर एक सबस्ट्रिंग के फॉर्म में हैंडल हुआ, एक फ्रेश न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और ऐसे फ्रेश न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कोड हमने रिजल्ट स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग str और रिजल्ट इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे इक्वालिटी ऑपरेटर से, तो इक्वालिटी ऑपरेटर बोलता है कि दोनों रेफरेंस वेरिएबल तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए इनका जो इक्वालिटी टेस्ट है वो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, फॉल्स। नाउ तो अब हम लोग सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा सेकेंड केस है, इसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग वेरिएबल है रिजल्ट, उसको हमने क्या असाइन किया है, हमने कहा स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग, पर इस बार सबस्ट्रिंग में हमने बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों पास किया है। आपको मालूम है कि यहाँ 6 जो है इंक्लूसिव है और 15 जो है वो एक्सक्लूसिव है, यानी हम लोगों ने सबस्ट्रिंग स्टार्ट तो किया 6 इंडेक्स से, लेकिन हमारा जो एंड इंडेक्स है जो कि एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो इसे एक्सक्लूड करके जो बचा हुआ स्ट्रिंग है, ये इतना सबस्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, ये हमारा सबस्ट्रिंग है इज अ गुड। तो ये जो हमारा इज अ गुड एक नया फ्रेश न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेगा, इस नए फ्रेश न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू हैंडल होगा और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कोड रिजल्ट में असाइन हो जाएगा। अगेन हम जब बोलेंगे str, तुम जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हो और रिजल्ट तुम जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हो, उनके बीच में हमें एक इक्वालिटी कंपेरिजन करना है, तो इक्वालिटी कंपेरिजन का रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करते हैं। तो हमने यहां देखा कि सबस्ट्रिंग मेथड एग्जैक्टली हमारे स्ट्रिंग पर कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो में इतना ही।